जल्दी बैठ। यार कल रात की पार्टी में ना मजा ही आ गया। साली ऐसी पार्टी तो रोज होनी चाहिए। अबे साले तू ही नहीं आता, ऐसी पार्टी हम रोज ही करते हैं। कभी कभी ना लड़की बुला लेते हैं और पूरी रात मजे लेते हैं। सही है यार, सालो तुम ही ले रहे हो जिंदगी के मजे। अबे साले तुझे किसने मना किया है, तू भी ले लेना। यार प्लीज यार, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई पार्टी हो ना तो मुझे भी बुला लिया करो यार। अरे तू नहीं आएगा, कहेगा मम्मी बुला रही है, ये बुला डाला, मम्मीज बॉय है ये। अरे नहीं पक्का यार, तू आएगा ना? पक्का आऊंगा भाई, पक्का आऊंगा। ठीक है, डन हो गया भाई। अरे मैं आऊंगा बोला तो आऊंगा, डन है, डन पक्का बोल रहा हूँ। ओ शिट यार गाइस, मुझे जाना है यार, बहुत जरूरी काम है यार। अब क्यों निकल रहा है तेरे को यार? अरे नहीं यार, मुझे बहुत जरूरी काम है भाई, समझो अगली बार। अरे मैं आऊंगा, सच में आऊंगा, मिलते हैं बाद में। चल भाई, अरे मैं आऊंगा बोल रहा हूँ ना। हाँ चल जा बाय। हर बार यही करता है ये। अच्छा ठीक है राजीव, कॉल करियो मेरे को बाद में। ओ शिट, दिखता नहीं है क्या, आंखें हैं या बटन, देख के नहीं चल सकता। ओ चल तो। एक लड़की की इतनी औकात कि वो भरे बाजार में इसके मुंह पे थप्पड़ मार के चली गई। ये तो भाई बहुत गलत हुआ तेरे साथ भाई। इस बात का तो बदला लेना पड़ेगा, वरना सोसाइटी में हमारा मजाक बन जाएगा। और भाई बदला तो लेंगे हम, क्योंकि सोसाइटी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भाई बहुत गलत हुआ ये सब। देख ये थप्पड़ तेरे मुंह पर नहीं पड़ा, हम सब पर पड़ा है। ले राजीव ये रुमाल ले, मुंह पे लगाते ही वो बेहोश हो जाएगी, हम सब लोग पीछे रहेंगे। और हाँ याद रखना, बेइज्जती का बदला बेइज्जती, ठीक है? अरे वो आ गई। राजीव तैयार है ना तू? उठा लेना एकदम बिना डरे। बिल्कुल। चल जा। अबे जल्दी जा, निकल जाएगी वो। ये साले बैठा बैठा सोच के रहे, जा जा जल्दी जा। अरे अरे रुको 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 रुको, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हो आप उसको? इसने मेरी बुक फाड़ दी। टीकू आपने क्यों बुक फाड़ी उसकी? और आप सुनो, अगर उसने गलती से आपकी बुक फाड़ भी दी तो आप उसे ऐसे मारोगे? ये सिखाया मैंने आपको? लेकिन कुछ नहीं बेटा, आपको पता है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो मेरी बहन है। बेटा सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपकी बहन है, वो एक लड़की है, और हमें हर एक लड़की की और औरत की इज्जत करनी चाहिए। आपको पता है कि भगवान ने एक लड़के को लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रांग क्यों बनाया है? क्यों? इसलिए ताकि लड़के इन लड़कियों की रक्षा कर सके, हर एक औरत की इज्जत कर सके, ना कि अपनी ताकतों का गलत गलत इस्तेमाल करे, उन्हें मारे पीटे, उन्हें बेइज्जत करें। तुम्हारा फिर शुरू हो गया सत्संग? नहीं जी, सत्संग वाली बात नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और ये मेरा फर्ज है। अरे मेरी माँ मेरा वो मतलब नहीं था, वो लड़का है। लड़के तो शरारती होते ही है, इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्या ये लड़का और लड़की लगा रखा है? हमेशा लड़कियों को ही सिखाते रहेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कभी लड़कों को भी समझाएंगे या नहीं समझाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? अगर लड़कों को समझाया जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो दुनिया की हर लड़की सेफ हो। और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को इस बात की समझ हो। अरे आप, आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सॉरी। उस दिन मैंने सबके सामने आपको थप्पड़ मार दिया, गलती मेरी है। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली गलती मेरी थी। अरे आप क्यों बोल रहे हो, मेरी गलती थी, सॉरी। लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं नहीं नहीं,
अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो एक एक कॉफी हो जाए। नहीं नहीं, अरे चलो ना चलो। हमेशा लड़कियों को ही सिखाते रहेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर लड़कों को समझाया जाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है तो दुनिया की हर लड़की सेफ हो। और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को इस बात की समझ हो